हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो टूडेज वीडियो इज अबाउट द पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट विच वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड वी आर गोइंग टू टुडे लर्न हाउ टू प्रिपेयर द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर द एक्सेस कैपिटल तो एक्सेस कैपिटल किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो तो हमने सीख लिया था अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेस कैपिटल के साथ जो अगला स्टेटमेंट हमारा होता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूछे जाएंगे तो द क्वेश्चन नंबर वन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर टूडे इज एक्स वाई एंड जेड वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू इज टू वन

तो दो दो टाइप के लाइबिलिटीज़ यहाँ पे है नंबर वन इज इंटरनल लाइबिलिटीज नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और असेट साइड में अगर हम देखें तो असेट साइड में वी हैव कैश वी हैव डेटर्स वी हैव स्टॉक ये तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हमें पहले पेमेंट करना है फिर हम इंटरनल लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे वो आपको ध्यान रखना है जब हम सेकेंड स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेंगे ये कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस दिए हैं रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस तो अगर हम अप्रैल में रियलाइजेशन देखें तो अप्रैल में एट थाउजेंड का डेटर से रियलाइजेशन हो रहा है स्टॉक का फोर थाउजेंड से हो रहा है हमें कैसे करना है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अप्रैल महीने में डेटर्स को अगर आप रियलाइज करोगे तो आपको एट थाउजेंड मिलेगा तो आपको करना क्या है एट थाउजेंड प्लस स्टॉक बेच के आपको फोर थाउजेंड मिलेगा और आपके उसमें से खर्चा हो जाएगा वन थाउजेंड तो एट थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड इज ट्वेल्व थाउजेंड अगर हम करेंगे तो हमें एक्चुअल ऑफ़ ऑफ़ फर्स्ट इन द मंथ अप्रैल. ऐसे ही हमको सारे एक एक करके सॉल्व करने हैं एक एडजस्टमेंट यहाँ पे डाला हुआ है द स्टॉक वॉज कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ इट वॉज जेड शुड टेक टेक ओवर द रिमेनिंग डेड साइड रुपीज सिक्स हंड्रेड सो हाउ द कैश वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस कैपिटल तो स्टॉक को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और जेड जो रहेगा वो पूरे के पूरे डेट्स लेने वाला है रिमेनिंग डेट्स लेने वाला है छः सौ रुपए में तो वो हम लास्ट में करने वाले हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव एडजस्टमेंट ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम क्या बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल अभी हम यहाँ पे पैर कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है हमारा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स हमारे पार्टनर्स थे एक्स फिर वाई फिर जेड तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस लिखना है होप कि आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल क्लियर है मैंने पहले भी इसको सॉल्व करवाया था तो ओपनिंग बैलेंस आपको हर पार्टनर का लिख रहा है आपको दिखता है क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर्स बैलेंस इज ट्वेंटी थाउजेंड फॉर एक्स टेन थाउजेंड इज फॉर वाई एंड टू थाउजेंड इज फॉर जेड देन वी आर गोइंग टू राइट दी एस आर वॉट इज द प्री पी एस आर गिवन इन द क्वेश्चन थ्री इज टू वन तो पी एस आर है हमारा थ्री इज टू वन देन हमें क्या करना है ओपनिंग बैलेंस को पी एस आर से डिवाइड करना है तो ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड कम्स टू थोड़ा और फिगर यहां पे आ रहा है तो सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स सेवन टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू इट्स फाइव थाउजेंड थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन इज टू थाउजेंड ठीक है क्या करना है इसका भी कैपिटल स्मॉलेस्ट रहेगा उसे हम बेस कंसिडर करते थे तो सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्स सेवन फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड इस सबसे स्मॉलेस्ट कौन है Z है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टेकिंग कैपिटल एस बेस तो अभी हम क्या करेंगे टू थाउजेंड को हर रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थ्री इसउजेंड टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टू इस फोर थाउजेंड टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन इज टू थाउजेंड ओके टू थाउजेंड माइनस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस आंसर विल बी कर एक्सेस कैपिटल ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंडर बी फोर्टीन थाउजेंड होर टेन थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड के आंसर विल बी सिक्स थाउजेंड हो

फोर्टीन थाउजेंड में से ध्यान से माइनस करना में से नाइन थाउजेंड माइनस करना है, में, करना है. में, अगर सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे आ पे आ जाएगा, आ पे भी अभी इसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी आपको लिखवा देता हूँ ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखा था तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट तरीके से था, था, था तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट काफी इजी है थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे हम सबसे पहला स्टेप पे रुपीस ए रुपीस लास्ट आंसर क्या मिला है फाइव थाउजेंड एक्स पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट फाइव थाउजेंड के एग्जैक्टली exactly ऊपर देखो ये नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड मिला है ना लिखेंगे पे रुपी नाइन थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ पीस टू टू नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड पेमेंट करना है हमको एक्स और वाई को और तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा तीसरा पॉइंट है पे टू ऑल क्या है रेशो पी इज टू वन दिस इज अवर ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन आज हम कुछ नया सीखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कैसे बनाना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे लाइबिलिटी साइड में देखो लोन है एक्स और वाई का और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिटर्स की तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है देखो मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें इसमें लिख के रखी है ताकि हमारा वीडियो लेंदी ना बने और आपको सब समझ में भी आ जाए तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको पर्टिकुलर्स और कैश का कॉलम ये पर्टिकुलर्स और ये कैश का कॉलम बनाना है उसके बाद हमारा कॉलम आना चाहिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी का तो हैव एक्सटर्नल लाइबिलिटी इन द क्वेश्चन क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है ऐसी लाइबिलिटी जो आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी जिसे हम पहले पेमेंट करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा पार्टनर्स लोन ये एक्स और वाई लोन ये कौन सी लाइबिलिटी है पार्टनर की तो ये कौन सी लाइबिलिटी है इंटरनल ये कैपिटल है एक्स वाई जेड दिस इज द कैपिटल दिस इज द कैपिटल ऑफ एक्स दिस इज द कैपिटल ऑफ वाई दिस इज द कैपिटल ऑफ जेड सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन से ओपनिंग बैलेंस को कॉपी कर लेंगे तो तो आपको चेक करना है तो है क्वेश्चन में देखो कैश का वैल्यू क्रेडिटर्स पार्टनर्स कैपिटल ट्वेंटी टेन और टू यही मैं अभी इसको प्रेजेंट कर लेता हूं ओपनिंग बैलेंस कैश फोर इज थाउजेंड एक्स लोन इज सिक्स थाउजेंड कैपिटल थाउजेंड इट्स टेन थाउजेंड इट्स टू थाउजेंड ठीक है इतना होने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके पास कैश कितना है अगर हम देखें तो हमारे पास कैश है फोर थाउजेंड तो पहले हम किसे पेमेंट करने वाले हैं पहले हम क्रेडिटर्स को देंगे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है ट्वेंटी थाउजेंड बट हमारे पास कैश सिर्फ फोर थाउजेंड है तो पहले हम क्रेडिटर्स को फोर थाउजेंड दे देंगे बाकी का जो सोलह हज़ार है वो अगली बार देंगे तो लेस पेड क्रेडिटर्स आपको यहाँ लिखना है फोर थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड कैश का बैलेंस हो गया नील ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड करोगे तो आपको क्रेडिटर्स की बैलेंस मिलेगी सिक्सटीन थाउजेंड बाकी के तो हमने पेमेंट किया नहीं उसको सेम टू सेम वैसे का वैसा कॉपी कर लो सेम टू सेम आपको सेम लिखना है जैसा आपके क्वेश्चन है वैसे सेम लिखना है ये थोड़ा लेंथी फॉर्मेट बन जाता है बट आपको हर स्टेप बाय स्टेप जाना अब हमारे पास पैसे नहीं रहे हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं तो जैसे आपके पैसे खत्म हो जाएंगे वैसे आपको फर्स्ट रियलाइजेशन में जाना है देखो ये रियलाइजेशन कहाँ से मिलता है क्वेश्चन में आप चेक करो एक आपको फॉर्मेट दिया है अप्रैल महीने में डेटर्स रियलाइज किए एट थाउजेंड तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एट थाउजेंड डेटर्स प्लस स्टॉक कितना स्टॉक था फोर थाउजेंड ठीक है माइनस एक्सपेंस हमारे कितने हुए एक्सपेंस हमारे हुए वन थाउजेंड तो इसको आपको रियलाइजेशन करना है तो यहाँ पे कितना आंसर मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा ग्यारह हजार ठीक है अभी हमारे क्रेडिटर्स कितने थे हमारा क्रेडिटर्स था सोलह हजार का पेमेंट फिर भी हम पूरा क्रेडिटर्स पे नहीं करेंगे लेकिन पूरा ग्यारह हजार का ग्यारह हजार क्रेडिटर्स को दे देते हैं बाकी का बाद में पेमेंट पे मैं लिखूंगा ग्यारह हजार क्रेडिट को दिया बैलेंस कैश में क्या हो गया नील हो गया ग्यारह हजार में से अगर हम सॉरी सोलह हजार में से अगर हम ग्यारह हजार को माइनस करेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग बचेगा फाइव थाउजेंड ये हम नेक्स्ट टाइम पेमेंट बाकी सेम टू तो सेम कॉपी कर लो सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ओके सो कैश खत्म जैसे ही कैश खत्म क्या करना है आपको नेक्स्ट रियलाइजेशन में जाना है नेक्स्ट रियलाइजेशन देखो आप क्वेश्चन में टेन थाउजेंड प्लस वन इज इलेवन थाउजेंड और इलेवन में से अगर हम पांच सौ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड तो कितना बचेगा दैट विल बी कवर टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अभी हमको क्रेडिटर्स को पे करना है फाइव थाउजेंड कैन वी पे फाइव थाउजेंड बहुत पैसा आ गया हमारे पास अभी तो हम अभी क्रेडिटर्स को पहले फाइव थाउजेंड दे देते हैं फाइव थाउजेंड दे दिया क्रेडिटर्स को फाइव थाउजेंड दे दिया बाकी लोगों को, को कोई भी पेमेंट में नहीं कर रहा हूँ ठीक है फिर लेस पे पार्टनर्स लोन तो पार्टनर्स लोन अभी पेमेंट करना है देखो अभी क्रेडिटर्स तो सेटल्ड हो चुका पार्टनर्स लोन एक बार देखो सिक्स थाउजेंड है और यहाँ पे फोर थाउजेंड है सिक्स थाउजेंड और फोर थाउजेंड कितना होता है टेन थाउजेंड अगर सिक्स प्लस फोर हम करें तो टेन थाउजेंड इसका मतलब एक्स को हमें पेमेंट करना है सिक्स वाई को हमें पेमेंट करना है फोर अगर हम ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड लेकिन क्या हमारे पास टेन थाउजेंड कैश है तो आप बोलेंगे कि सर टेन थाउजेंड तो कैश हमारे पास नहीं है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थी उसमें से पांच हजार तो हमने दे दिया तो अगर हम पांच हजार दे दिया तो कितना बैलेंस बचता है हमारे पास तो हमारे पास बचेगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ही बैलेंस तो इतना बैलेंस हम पहले वाले को पेमेंट नहीं करेंगे हम दोनों को क्या करेंगे रेशो में बांटेंगे तो इसका जो रेशो है इसका रेशो मैंने लिया है इसका रेशो देखो क्या होता है इसका रेशो होता है सिक्स इज टू फोर ठीक है सिक्स इज टू फोर कैसे हमने तीन तीन जीरो कैंसिल कर दिए तो सिक्स इज टू फोर ये इसका रेशो है इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको रेशो आएगा थ्री इज टू टू तो रिमेनिंग दो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड है कैसे आया फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड दस हजार पांच सौ में से पांच हजार पेमेंट कर दिया तो जो बचा है अगर मैं एक्स को एक्स के लोन को सेटल करूंगा तो वाई बोलेगा मेरे को भी पेमेंट चाहिए इसलिए हम दोनों को इक्वल बेसिस पे जैसा रेशो है उस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा इसको मिल जाएगा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मिलेगा और इसको मिलेगा टू थाउजेंड टू हंड्रेड कैसे आए वैल्यू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थ्री डिवाइडेड बाई फाइव ये रेशो में मैंने डिवाइड कर लिया है ठीक है बैलेंस यहाँ पे कैश खत्म हो चुका है ये क्रेडिटर्स भी नील हो चुका है एक्स का लोन थोड़ा सा सेटल्ड हो चुका है दो तो हजार सात सौ का यहाँ बैलेंस आ गया यहाँ पे हमको बैलेंस आ गया अठारह सौ और बाकी का जो भी है बाकी का पूरा सेम टू सेम वैल्यू है दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ओके सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट्स वेरी इजी थर्ड रियलाइजेशन में जाएंगे पैसा खत्म तो ही थर्ड रियलाइजेशन में जाना है तो अभी आप देखो थर्ड रियलाइजेशन हो रहा है नाइन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड नाइन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड तो विल गेट द बैलेंस एंड द बैलेंस विल बी तो third realization से आपको कितना मिल रहा है है का बैलेंस ठीक अभी बहुत पैसा है हमारे पास अभी कोई प्रॉब्लम है दो पेमेंट करना है और एक हजार तो और सौ कितना बनता है That will be तो हम पहले लोन को कर लेते चार हजार पांच सौ लोन दे देंगे दोनों को प्लस किया तो चार हजार पाँच सौ आ गया तो मैंने दिया दो हजार सात सौ को तो मैंने दिया अठारह सो तो सबको डैश 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 ठीक है अभी लोन तो सेटल्ड हो चुका है अभी हम क्या करेंगे अभी हम लोन सेटल्ड होने के बाद पार्टनर्स में जाएंगे पार्टनर्स के लिए सबसे पहले आपको ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट 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 देखना है 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 पहले पहले किसे करना करना हमें एक्स को कितना पेमेंट करना है फाइव थाउजेंड का पेमेंट करना है तो पहले हम एक्स को ही पेमेंट करेंगे तो यहां पे पेमेंट करने पे पैसा है हमारे पास फाइव तो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर फाइव थाउजेंड यहां डैश यहां डैश यहां डैश को तो पेमेंट किया फाइव थाउजेंड तो एक्स के कॉलम में फाइव थाउजेंड बाकी सभी कॉलम में ठीक है एक्स तो आपका पेमेंट हो चुका है ठीक है एक्स को पेमेंट करने के बाद आप चेक करो तो पे रुपीज नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड तो नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड कितना होता है दोनों को पेमेंट कितना करना है आपको फिफ्टीन थाउजेंड का पेमेंट करना है एक्स को और वाई को क्या रेशो में थ्री टू के रेशियो में करना है तो नाइन थाउजेंड एक्स को चले जाएगा वाई को जाएगा सिक्स थाउजेंड लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम होने वाला है तो क्यों प्रॉब्लम होगा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सोलह हजार का बैलेंस था सोलह हजार में से चार हजार पाँच सौ हमने पे कर दिए इसको पेमेंट किया लोन का पेमेंट फिर फाइव थाउजेंड हमने एक्स को दे दिया अभी फाइव थाउजेंड एक्स को दे दिया अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी हमारे पास पंद्रह हजार का कैश नहीं है तो जितना भी बचेगा देखो सोलह हजार में से चार हजार पाँच सौ माइनस करो पाँच हजार माइनस करो आपके पास कितना कैश बचता है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही कैश बच रहा है तो ये हम एक्स और वाई में बांट लेंगे थ्री इंस टू टू में लिए उनका रेशो क्या था 2, उनका रेशो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही हम लोग रेशो लेंगे यहाँ पे डैश यहाँ पे डैश एक्स को कितना मिलेगा एक्स को मिल जाएगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड वाई को मिलेगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एक्स को मिलेगा टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड वाई को मिलेगा टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो रेशो क्या है थ्री इज टू टू के बेसिस पे ये रेशो हम ये जो वैल्यू है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिकॉज उनको हमें पंद्रह हज़ार का पेमेंट करना है लेकिन हमारे पास उतना कैश अवेलेबल नहीं है हमने सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड को बांट लिया कैसे आया सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड में से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करो फाइव थाउजेंड माइनस करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको हम रेशो में बांट लेंगे यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे नील है यहाँ पे नील है ये भी नील हो गया ये भी नील हो गया अभी कैपिटल का बैलेंस देखते हैं तो कैपिटल में कितना बैलेंस आया यहाँ पे आया ग्यारह हजार सौ टेन थाउजेंड में से थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस को यहाँ पे आएगा सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन टू थाउजेंड में से यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे आएगा टू थाउजेंड का बैलेंस ठीक है तो हमारे पास अभी पैसे खत्म हो चुके हैं अभी हम क्या करेंगे हमारे फोर्थ रियलाइजेशन में जाएंगे फोर्थ रियलाइजेशन में जा रहे हैं फोर्थ रियलाइजेशन ध्यान से आपको सॉल्व करना है फोर्थ रियलाइजेशन फोर्थ रियलाइजेशन में मैं जा रहा हूँ इजेशन आप क्वेश्चन में टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड इज इलेवन इलेवन माइनस फोर हंड्रेड पिसन थाउजेंड सिक्स हाँ लिख रहा हूँ ठीक है ये बैलेंस आ चुका है वैल्यू value हमको वैल्यूज को एक वैल्यूज हाँ लिखना ऑल दिस वैल्यूज वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर बैलेंस यहाँ पे आया इलेवन थाउजेंड वन यहाँ पे यहाँ पे हमारा बैलेंस था सेवन थाउजेंड और यहाँ पे हमारा बैलेंस अभी आ चुका है हमारे पास टेन थाउजेंड सिक्स का बैलेंस ठीक अभी हमें करना क्या है देखो अभी हमने क्या किया x और y को हमें कितना पेमेंट करना था ध्यान से समझ ऐसा कैलकुलेट कॉल्ड अगर आपको ये समझ में आ गया तो और यूट्यूब एक्स और वाई को हमें कितना पेमेंट का पेमेंट करना था एक्स वाई को एक्स और वाई को हमें फिफ्टीन थाउजेंड का पेमेंट करना था अभी हमने कितना पेमेंट किया है देख यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक्स और वाई को हम कितना पेमेंट किया अभी अभी पेमेंट किया सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हमने वो कर दिया क्या करूंगा पंद्रह हजार में से सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कर, कर लिए एड कर दिए क्योंकि पैसे नहीं थे उतने पे पेमेंट करने को इतना पेमेंट आपने कर लिया तो कितना अभी आपके पास बैलेंस बचा है आठ हजार पाँच सौ यह आपका आउटस्टैंडिंग है मतलब इतना अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा देखते हैं अभी हमारे पास इतना कैश है या आठ हजार पाँच सौ हम कर सकते हैं तो इफ यू सी हमारे पास दस हजार छः सौ का बैलेंस है बट हमें तो सिर्फ कितना पेमेंट करना है आठ हजार पाँच सौ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आठ हजार पाँच सौ अब आठ हजार पाँच सौ को आपको क्या करना है थ्री टू टू के रेशियो में डिवाइड करना है ताकि एक्स और वाई का पेमेंट हो जाए चलो तो अभी एक्स और वाई को पेमेंट करते हैं एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड को थ्री टू टू के रेशियो में डिवाइड कर लो एक्स को कितना मिलेगा एक्स को मिलेगा फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड और वाई को कितना मिलेगा वाई को मिलेगा थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड कैश ठीक है दस हजार सौ में से अगर आप आठ हजार पाँच सौ पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास बैलेंस बचेगा देखो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बेसिस पे जाना है पहला पेमेंट किसे करना था एक्स को करना था फाइव थाउजेंड तो मैंने सब एक्स को पेमेंट कर दिया पहले फाइव थाउजेंड देखो हमने यहाँ पे एक्स को पेमेंट किया फाइव थाउजेंड मतलब एक्स नहीं लो गया फिर दूसरा पेमेंट किसको करना है दूसरा पेमेंट करना है एक्स और वाई को रेशो है थ्री इंस टू टू नाइन थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड पेमेंट करना है फिर तीसरा पेमेंट करना है सबको पेमेंट करना है थ्री इंस टू टू वन में अभी जितना भी कैश बचेगा सबको बांटते रहेंगे हम तो दस हजार छह सौ में से अगर आप आठ हजार पांच सौ माइनस करोगे तो आपको बैलेंस बचेगा एंड द बैलेंस विल बी टू थाउजेंड वन हंड्रेड ये टू थाउजेंड वन हंड्रेड कैसे आया इसमें माइनस किया अभी जितना भी पैसा आएगा सभी लोगों में बांटेंगे थ्री तो टू टू वन में डिवाइडिंग तो अभी एक्स को कितना मिलेगा अभी एक्स को मिलने वाला है कुछ अमाउंट वाई को भी मिलेगा जेड को भी मिलेगा एक्स को मिलने वाला है वन जीरो फाइव जीरो टू थाउजेंड वन हंड्रेड को रेशो में आपको डिवाइड करना है फिर वाई को कितना मिलेगा वाई को मिलेगा सेवन हंड्रेड फिर जेड को कितना मिलेगा जेड को मिलेगा तीन सौ पचास अभी हम बैलेंस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे नीला जाएगा वैल्यू देखते हैं का फोर नाइन फाइव जीरो यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड और यहाँ पे आपको मिलेगा टू थाउजेंड में वन सिक्स फाइव जीरो बैलेंस आ चुका है हमारे पास हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट रियलाइजेशन काफी बड़ा कैलकुलेशन है इस चैप्टर में तो ध्यान से पांच सौ ठीक है, में रहा 5000, 5000 500, रहा तो, है 500, तो आपको कितना मिल जाएगा आपको आंसर मिलेगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बैलेंस रियलाइजेशन अब प्रॉब्लम क्या है एक एडजस्टमेंट आपको था एक बार एडजस्टमेंट को रीड आउट कर लेते एडजस्टमेंट ये था कि लास्ट में जो है और जितना कैश आएगा वो जेड के पास चले जाएगा तो जेड ने डेट्स लिए कितने के डेट्स जेड ने सिक्स हंड्रेड के डेट्स लिए तो अगर छे सौ के डेट्स ले रहा है तो कैश भी बढ़ जाएगा आपका छे सौ से और किसके बेसिस पे ये जेड जो रहेगा वो क्या करने वाला है डेट्स को रियलाइज कर लेगा और छ रुपया ले लेगा ठीक है तो छ सौ रुपया आपके कैश में बैलेंस बढ़ जाएगा आपका बैलेंस बढ़ गया लेकिन बाकी के पार्टनर बोलते हैं कि एक एक पार्टनर कोई भी रियलाइजेशन करता है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सिक्स हंड्रेड कैश बढ़ गया ये हमने जेड को नहीं दिया क्योंकि ये जेड ये बिजनेस में लाएगा और बिजनेस में छे सौ रुपया उससे कॉन्ट्रीब्यूटा और टोटल वैल्यू अभी बैलेंस कितना बचेगा देखो अभी हमारे पास फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड का कैश आ चुका है अभी हम क्या करेंगे फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड को सभी लोगों में डिवाइड कर लेंगे फिर से तो फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड को आपको सभी लोगों में बांटना है थ्री इज टू टू वन के रेशो ठीक है मैं ये वैल्यू को फिर से एक बार यहाँ लिख 4950, फोर नाइन फाइव जीरो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड हमारा सेम वैल्यू ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ वन सिक्स फाइव जीरो फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड को ये रेशो में आप डिवाइड कर लो रेशो आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आएगाबल फाइव जीरो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अगर आप ये सभी को माइनस करोगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा लिए इसके बाद कोई भी रियलाइजेशन नहीं यहाँ पे आ जाएगा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पे आ जाएगा सिक्स हंड्रेड और यहाँ पे आ जाएगा एट हंड्रेड ठीक है हमें लास्ट आंसर मिला अगर ये लास्ट आंसर पॉजिटिव आता है तो इट इज़ कॉल्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन अगर ये लास्ट आंसर नेगेटिव आता है तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इतना सॉल्व करने के बाद एक बार लास्ट में चेक करते हैं कि हम राइट right है या रॉन्ग है बिकॉज वी हैव सॉल्व मेनी पॉइंट्स इन जितना भी हमने सॉल्व किया है उसको किस तरीके से अभी सॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान से देखो अभी इतना सॉल्व करने के बाद हम राइट right है कि रॉन्ग है वो चेक करने का मेथड आपको बताता हूँ क्या हमारा रेशियो था थ्री इज टू टू इज टू वन तो अगर हम आठ सौ से एक को डिवाइड करेंगे तो हमें आठ सौ आंसर आता है अगर हम 800 को दो से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से अगर हम 800 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिक्सटीन हंड्रेड आंसर आता है अगर हम 800 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थाउजेंड फोर हंड्रेड आंसर आता है दैट मींस वॉट एवर वी हैव कैलकुलेटेड इज राइट बिकॉज दैट इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आई नो दैट फर्स्ट क्वेश्चन यू विल थिंक इतना सब कुछ सॉल्व करना है हम कैसे करेंगे लेकिन इसको प्रैक्टिस लगेगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इस में आ जाएगा अगर कोई भी पॉइंट्स आप पॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है एक बार वीडियो को फिर से देख लो अपने बेसिस पे सॉल्व करके देखो जैसे जैसे मैंने करवाया वैसे वैसे, वैसे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं कोई भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम्स होता है आप देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर